महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे हनुमान चालीसा में हनुमान जी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं महावीर विक्रम बजरंगी। इस संसार में ना कई वीर होते हैं, कोई रणवीर होता है, कोई दानवीर होता है, कोई त्यागवीर होता है, कोई धर्मवीर होता है, लेकिन ये सारे वीरों की पूर्णता जिसमें है ना उसे महावीर कहते हैं। तो जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए लंका चले गए, जब वो सीता माता से मिले और अशोक वाटिका को ध्वस्त कर रहे थे, तब रावण ने अपने कई योद्धा उसके पास भेज दिए। रावण के सारे योद्धाओं के साथ अकेले हनुमान जी युद्ध कर रहे थे। तो वहां पर बड़े शक्तिशाली योद्धा जैसे जांबुवली और साथ ही साथ रावण के पुत्र अक्षय कुमार, इनके साथ हजारों राक्षसों के साथ हनुमान जी ने अकेले युद्ध किया। मानो जैसे एक हाथी चींटियों को रगड़ता है, वैसे हनुमान जी उन सबको पराजित कर रहे थे। ऐसे रणवीर है हनुमान जी। हनुमान जी त्यागवीर है। वास्तविक रूप में जो रामायण लिखी वाल्मीकि मुनि ने, ये केवल अकेली रामायण नहीं, हनुमान जी ने भी अपनी एक रामायण लिखी थी। तो जब वाल्मीकि मुनि ने उस रामायण को देखा जो हनुमान जी ने लिखी थी, वो वाल्मीकि मुनि के रामायण से तो छोटी थी, लेकिन जब वाल्मीकि मुनि ने वो रामायण देखी तब उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। हनुमान जी ने उनको पूछा क्या हुआ, बोले इतना सुंदर वर्णन और कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो इतनी बड़ी रामायण लिख कर रखी है, अगर कोई आपकी रामायण पढ़ेगा तो मेरी रामायण को तो कोई देखेगा भी नहीं। हनुमान जी ने तुरंत उस रामायण को समुंदर में फेंक दिया। त्यागवीर है हनुमान। तो ऐसे महावीर हनुमान है जो सारे वीरों की सारी खूबियां जिनमें है, ऐसे महावीर विक्रम बजरंगी, और कितने सारे विक्रम करने वाले। कई बार विक्रम करने के लिए, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये तो छोटे से बालक थे और चले गए सूर्य को निगलने के लिए। तो वहां पर सूर्य को निगलने के लिए जब चले गए, तब हम जानते हैं कि किस प्रकार से इंद्रदेव ने आक्रमण किया, वज्र फेंका, और फिर वायुदेव के कहने पर हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने फिर से जीवित किया, और तब सारे देवताओं ने हनुमान जी को वरदान देना आरंभ कर दिया। तो इंद्रदेव हनुमान जी को उस समय वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम्हारा पूर्ण शरीर वज्र के समान कठोर बनेगा। तो हनुमान जी का शरीर वज्र के समान, मतलब उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हनुमान को कहते हैं वज्र अंगी, और ये वज्र अंगी हनुमान बने बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। कितने बड़े बड़े विक्रम किए उन्होंने। तो जब ये सारी घटना चल रही है ना, हनुमान जी गए, उन्होंने सूर्य को देखा, सूर्य को खाने का प्रयास किया। आचार्य कहते कि उन्होंने सूर्य को निगल भी लिया अपने मुंह में। और जब हनुमान जी ये सब कर रहे थे ना, उधर रावण तपस्या कर रहा था। रावण तपस्या कर रहा था कि वो तपस्या पूर्ण कर अदृश्य बनने की शक्ति प्राप्त कर ले, और साथ ही साथ अपराजित हो सके, इसका वर प्राप्त करने के लिए रावण तपस्या कर रहा था। क्योंकि हनुमान जी ने इधर सूर्य को निगल लिया, सूर्य को ग्रहण लग गया, और इस सूर्य के ग्रहण के कारण रावण की तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई। कितने पराक्रमी हैं हमारे हनुमान जी। यही हनुमान जी लक्ष्मण को जब शक्ति अस्त्र लगता है तो छलांग लगाकर जाते हैं हिमालय में, और द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी के पास ये ऑप्शन था, वो चुन सकते थे कि वाली की सहायता करें या सुग्रीव की सहायता करें, लेकिन हनुमान जी सुमति के संगी है। सुमति अर्थात
जिनकी मति अच्छी है, अर्थात वो उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो सही मार्ग पर चलते हैं। और जो कुमति है, कुमति निवार, उसका तो निवारण कर देंगे हनुमान जी। वास्तविक रूप में वाली को शाप था कि वो किष्किंधा क्षेत्र में जिस पर्वत पर सुग्रीव रह रहे हैं वहां पर वाली नहीं आ सकता। तो वाली प्रतिदिन अपनी गायत्री करने के लिए समुद्र में जाता था और समुद्र की ओर जाते समय सुग्रीव के इस पर्वत के ऊपर से जाते हुए सुग्रीव को लात मार के जाता था। सुग्रीव उस पर्वत पर है और वाली छलांग लगाते हुए सुग्रीव के सर पर लात मारता और आगे निकल जाता। वो उस पर्वत पर पैर नहीं रख सकता क्योंकि अगर पैर रखेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो वाली इस प्रकार से जाता है। एक दिन हनुमान जी वहां पर रुकते हैं और हनुमान जी जब रुके और वाली यहां पर छलांग लगा रहा है सुग्रीव को लात मारने के लिए, वाली पैर नीचे करता है, हनुमान जी उसके पैर को पकड़ लेते हैं और जब उसके पैर को पकड़ते हैं तो खींचते हैं। अब वाली छूट नहीं सकता, हनुमान जी कहते लगाओ, पर्वत को लगाओ, जैसे ही लगाएगा भस्म हो जाएगा। तो वाली बहुत विनती करता है, वाली बहुत निवेदन करता है और तब हनुमान जी कहते हैं चलो बख्शते, उसे छोड़ देते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसे है हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्ण।